एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टार्ट कहाँ से है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहली इक्वेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई, इसको क्या बोलते हैं? द कंडीशन इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दूसरा रूल है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर एनर्जी कम होगी, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी? एच न्यू। अगर ये इक्वेशन हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोहर ने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटोन है तो ई, एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल होगी, राइट? तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्रोटोन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? 1/4πε0Q1Q2R2। और यही इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल, mv2r। r से r क्या हो गया? कैंसिल, तो किसकी वैल्यू आ गई? mv2 की। अब mvr क्या होता है? nh/2π। यहां से v एक तरफ, m और r नीचे ले जाओ, तो इस v को उठा के यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे पुट करेंगे क्या जाएगा? होल स्क्वायर। इसे ओपन करो, ओपन करके क्या जाएगा? r, मतलब r की वैल्यू नहीं, ये होल स्क्वायर r स्क्वायर आएगा, ये r, r से r स्क्वायर कैंसिल होके r की वैल्यू आएगी। ये r का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आपको क्या याद रखना है इसमें? जो रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर घूमता है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जो r है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर n शेल नंबर 1, 2, 3 है तो जो r की वैल्यू है उसी हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करेगी। तो पहला रिजल्ट क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? रेडियस का आ गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, पहला रिजल्ट है। दूसरा, आपने r निकाल लिया, आपके पास यहां पर वेलोसिटी v थी, आप इस वेलोसिटी में r की वैल्यू को पुट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो जब आप r को यहां डिनोमिनेटर में पुट करोगे वेलोसिटी के फॉर्मूले में और रीअरेंज करोगे तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? वेलोसिटी का। इन सब वेलोसिटीज और रेडियस के शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको याद करवाऊंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करना है जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो पहला रिजल्ट हमने क्या किया? रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, दूसरा रिजल्ट हो गया। ठीक, तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करते हैं 1/4πε0 n, ये सब कुछ चीजें, h की वैल्यू n नीट अदर, तो आपको वेलोसिटी का ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मतलब ये और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो ये फॉर्मूला कौन ही याद करेगा न्यूमेरिकल के लिए? ये याद करेंगे 1/137c/n, c स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके अंदर इस 1/137 को अल्फा बोलते हैं, अल्फा का मतलब होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो जब भी न्यूमेरिकल वेलोसिटी का आएगा तो सीधा इस वैल्यू में हम वैल्यू पुट करेंगे एन की और आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है यहां तक? तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट?